एवरीवन, वेलकम टू फूडी कैसल। आज हम लोग बना रहे हैं आलू बोंडे। तो सबसे पहले इसके लिए हमको चाहिए यहाँ पे बेसन, और इसके बाद यहाँ पे चाहिए सॉल्ट, कुकिंग सोडा, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और बारीक कुटे हुए लहसुन, और साथ ही यहाँ पे चाहिए बारीक कटे हुए हरे मिर्ची, बारीक कटे हुए कोथमीर। तो अभी सबसे पहले सारे चीज़ें जो है हम बेसन में मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, कुकिंग सोडा, बारीक कटे हुए लहसुन, तो अभी इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए हरी मिर्ची और कोथमीर। तो अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये बैटर जो है वो रेडी है, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हैं। तो अभी इसे हम साइड में रख देंगे अराउंड 30 मिनट्स के लिए। तो अभी जो बैटर जो है हम उसको साइड में रख दिए। उसके बाद हमने लेना है बॉइल्ड पोटैटोस। तो ये आलू जो है हम पहले ही उबाल के रख लिए थे, अब इसे पील कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये आलू जो है हम पील कर लिए। अभी इसके बाद हमको यहाँ पर चाहिए थोड़ी सी हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद हमने लेंगे यहाँ पे एक बॉल और ये आलू जो है इसमें मैश कर लेना है। आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं या अगर आपके पास पोटैटो मैशर है उससे भी मैश कर सकते हैं, फोक से भी आप मैश कर सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे हाथ से मैश कर रही हूँ। तो अभी आलू जो है वो मैश हो चुके हैं। इसमें अब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्ची। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी अराउंड 30 मिनट्स हो चुके हैं। ये बेसन का बैटर जो है ये अब कम्प्लीटली रेडी है, और मैश पोटैटोज भी अपने बॉइल्ड जो है वो रेडी है। अब तो बोंडे, आलू बोंडे बनाने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो आलू है ये लेके छोटे छोटे बॉल्स के शेप में हमने इसे ये देखिए हाथों से ही, आपको ऑयल या फिर कोई दूसरी चीज़ यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ को बस ऐसे ही हल्का हल्का रोल करते जाइए हाथों में। देखिए ऐसा बॉल रेडी है, और अब ये आलू के बॉल को जो है हमने बेसन में डिप करना है। तब ये बेसन में डिप करके इसको जो है बेसन से ऊपर से ऐसे कोट कर देना है। अब इसे डीप फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई, इसमें जो तेल गरम कर लिया है, अब ये बोंडा इसमें डालेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम बाकी के भी बोंडे डीप फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बोंडे जो है कैसे अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे। आलू बोंडे अब रेडी है।